हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक समोल और मेरे पास एक मॉडल है माइक्रोमास्क का Q463। तो दोस्तों, इसमें लगा है आपका पैटर्न लॉक। तो कैसे इसको रिमूव करेंगे आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मैं आपको थोड़ा ऑन करके सेट दिखा दे रहा हूं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका लगा है पैटर्न लॉक, तो पैटर्न याद नहीं है। तो कैसे इसको हम रिमूव करेंगे, तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, पहले आपको अपना दोनों सिम और मेमो चिप को निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद बैटरी आपको लगाना है फिर से। अभी आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर आपका पावर की। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम माइनस और पावर की को पहले प्रेस करना है। पहले वॉल्यूम माइनस, उसके बाद पावर की। अब पावर की को छोड़ दीजिए। अब दोनों की को आप छोड़ दीजिए। जब आपका एक बार वाइब्रेट हो गया तो आपको देखिए ऐसा वाला आपको आ जाएगा डिस्प्ले, सिलेक्ट बूट मोड, ठीक है। तो आपको दोनों की को उसके तब आपको दोनों की को छोड़ देना है। तो देखिए, अभी आपको क्या करना है, वॉल्यूम माइनस से हम बूट सिलेक्ट करेंगे। देखिए, आप लिखा है यहाँ, पहले लिखा है रिकवरी मोड, उसके बाद फास्ट बूट मोड, उसके बाद नॉर्मल बूट। तो हम वॉल्यूम माइनस से नीचे ऊपर हो सकते हैं। देखिए, मैं नीचे ऊपर हो रहा हूँ। देखिए, वॉल्यूम माइनस प्रेस करने से आप नीचे ऊपर जा रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, रिकवरी मोड में ये आरओ रख कर, यहाँ पर रिकवरी मोड में है आपका आरओ। तो हम क्या करेंगे, अभी वॉल्यूम प्लस को जो है, वॉल्यूम प्लस उसको आपको एक बार प्रेस कर लेना है। थोड़ा वेट करना है थोड़ा। देखिए, आपका ऐसे आ जाएगा, नो कमांड बोलकर ऐसे एंड्रॉइड का लोगो आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अभी हम कमांड कैसे देंगे, देखिए पावर की को प्रेस करके वॉल्यूम प्लस को एक बार प्रेस करना है। मैं करता हूँ, देखिए पहले पावर की को प्रेस करके आपको फटाक से करना है। पावर की को प्रेस किया, वॉल्यूम प्लस को एक बार प्रेस कर लिया और दोनों छोड़ दिया। देखिए, आपका आ गया एंड्रॉइड सिस्टम रिकवरी मोड आ गया आपका। तो अभी क्या करना है, वॉल्यूम माइनस से चलना है नीचे। वॉल्यूम माइनस से आपको नीचे चलना है, लिखा है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, ठीक है। उसके बाद पावर की को एक बार प्रेस करना है एक बार। तो अभी फिर से वॉल्यूम माइनस से नीचे आना है, एस ऑल यूजर डाटा आ गए हम। फिर से आपको पावर की को एक बार प्रेस कर लेना है। तो नीचे देखिए आपका हो रहा है, वाइप डाटा फॉर्मेटिंग चल रहा है अभी आपका। तो थोड़ा वेट करते हैं। देखिए, फिर से पूछ रहा है रिबूट सिस्टम नाउ पूछ रहा है। तो फिर से आपको पावर की को एक बार प्रेस कर देना है, पावर की को। चलिए, अभी थोड़ा वेट करते हैं सिस्टम ऑन होने तक।
चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं अभी नेक्स्ट स्किप। तो यहाँ पर आप वाईफाई को कनेक्ट करके यहाँ पर ठीक है 5 मैं मेरा वाईफाई का थोड़ा पासवर्ड दे रहा हूँ 5152 यहाँ से मैं मेरा मेल आईडी और पासवर्ड देके पासवर्ड शायद भूल दे दिया मैं। चलिए मैं यहाँ पर देकर मैं इसको सेटअप कर लूंगा। आप ऐसे ही वाईफाई कनेक्ट करके आप अपना मेल आईडी पासवर्ड देके या फिर आप अगर आपका सिम है तो वाईफाई कनेक्ट करने को जरूरत नहीं है, सिम देके आप सेटअप कर लीजिए। अगर यहाँ से आपका मेल आईडी और पासवर्ड याद नहीं है और आप सेटअप नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, मैं उसमें बताया हूँ कि कैसे आपको ये जो FRP लगा है आपका फ़ोन में फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन कैसे हटाते हैं, उस वीडियो में मैं बताया हूँ, तो आप उसको भी देखकर कर सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा जरूर जरूर लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।